इधर सबसे पास थाना इधर है ना, गंदा हो गया है भाई, गंदा मतलब पता नहीं सकते भाई कितना गंदा। Hey folks, welcome back to the channel. देख सकते हैं मौसम कितना अच्छा हो रखा है। सो फोक्स, अभी जस्ट निकले हैं पेपर देके, मतलब अपने कॉलेज से निकले हैं, इंटरनल असेसमेंट था आज। सो वो सब अच्छा गया, वाइवा वगैरह और सारा वॉइस वगैरह सब अच्छा था। सो बस अभी जस्ट निकले हैं और बारिश हो रही है, देख सकते हैं आप लोग। सो आज थोड़ा काम है मुझे, बेसिकली मतलब मेरी गाड़ी का जो मोबिल है मैं सोच रहा हूँ चेंज करा लूँ, बिकॉज ऑलमोस्ट 10,000 किलोमीटर्स ये चल चुकी है एंड मैंने यूज़ किया है मॉडल 7100 फुल्ली सिंथेटिक ऑयल, जो कि मुझे अराउंड 700-800 का पड़ा था, बहुत ही सही रेट पर मिल गया था। सो इट इज़ बेस्ट फॉर दिस पल्सर सीरीज एंड बस मेरा पेपर है। सो पेपर देने अब जाना है, तो पेपर देने मुझे दूर जाना पड़ेगा, हो सकता है बस से जाऊँ, हो सकता है बाइक से ही जाऊँ, तो रिस्क नहीं ले सकते हैं, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि इसकी सर्विस करा ही देता हूँ, और सर्विसिंग का तो टाइम नहीं, तो मैं सोच रहा हूँ मोबिल ही चेंज करा देता हूँ, एटलीस्ट जो इंजन है वो सेफ रहेगा। सो थोड़ा काम है आज, एक मेरे फ्रेंड है उनकी मॉम की तबीयत थोड़ी ख़राब है, उनको ब्लड वगैरह देना, तो देखते हैं अगर ब्लड कहीं से अरेंज होता है तो ठीक है, वरना फिर मैं ही ब्लड दे दूँगा। तो बस वो काम वाम करवा के उसके बाद आज शाम को ही मैं निकलूँगा, और मैं सोच रहा हूँ कि अपनी गाड़ी में मोटुल रन इस बार डलवा दूँ 300, इट इज़ गुड, इट इज़ चीप ऑल्सो, तो थोड़ा बहुत प्रोटेक्शन मिल जाएगा, क्योंकि लॉन्ग रूट पर जाना है, डबलिंग पर जा सकती है लॉन्ग, और ओवर स्पीडिंग भी हो सकती है, सो दैट इज़ वाई मुझे थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखना था, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि इसको करा ही देते हैं। सो गाइस, वो जो मोबाइल है वो मैंने ऑलरेडी परचेज़ कर लिया है एंड मैं प्रीवियसली भी गया था एक दो दिन पहले, वहाँ पे मुझे वो अवेलेबल था, तो मैंने परचेज़ कर लिया, तो उसकी वीडियो शूट कर ली थी, वो अभी मैं आपको इस वीडियो में आगे दिखाऊंगा, हालांकि मैंने पिक्चर तो लगा ही दिया ताकि आप लोगों को मैं उसका पिक्चर दिखा सकूं। सो आगे मिलते हैं, अभी चलते हैं फिलहाल। सो वेलकम गाइस, गाना बंद करते हैं वरना कॉपीराइट आ जाएगा अभी तुरंत फटाक से, और हम लोग पहुंच चुके हैं घर, शी इज़ ऑल राइट, सब कुछ अच्छे से हो गया, बढ़िया से सब कुछ अरेंज भी हो गया, अच्छे मन से अब निकल सकते हैं घर और चलते हैं अपने घर। मैं अपनी बाइक उठाता हूं और चलते हैं लेके सर्विस कराने, और मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूं, बढ़िया से आपको साउंड सुन के बताने कैसा लग रहा है। से निकल चुके हैं गाइस एंड आप देख सकते हो सामने इतनी खूबसूरत वेडिंग है, कुछ किलोमीटर बचा है, मतलब बस शॉप पे आई गए, बट इतनी खूबसूरत वेडिंग थी, मैंने सोचा इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। इंडियन वेडिंग्स होती भी बहुत खूबसूरत हैं यार। चेंज आ चुके हैं गाइस शॉप पे, आप देख सकते हो गाड़ी कितनी गंदी है, मैं अभी आपको उसका लेवल दिखाता हूँ मोबिल का। वैसे फिलहाल जब कभी भी आप गाड़ी की सर्विस करवाओ तो उसका लेवल है उसको थोड़ी देर सस्टेन कर लेना देना चाहिए, मतलब गाड़ी अगर चल के आई है तो कम से कम आधे घंटे खड़ी रहनी चाहिए, उसके बाद ही वो जो ड्रेन है मोबिल वो पूरा हो पाता है, वरना वो आधा मोबिल इधर उधर इंजन में फंसा रहता है कुछ पार्ट्स में। सो इस चीज़ का आप लोग थोड़ा ध्यान रखिए एंड तब तक मैं थोड़ी देर वेट कर लेता हूँ, हाफ एन आवर बाद ही सर्विस कराऊंगा, तब तक मेरा फ्रेंड आ रहा है तो मैं उससे मिल लेता हूँ, और मैं अभी आपको गाड़ी के किलोमीटर्स दिखाता हूँ कितने किलोमीटर्स ऑलमोस्ट ये चल गई है। तो लास्ट मैंने जो इसकी सर्विस करवाई थी वो मैंने कराई थी अराउंड 34,990 ऐसे कुछ मैंने इसकी सर्विस कराई थी एंड अभी अगर आप अब मेरी ऑडोमीटर्स की ट्रिप देखोगे ना तो भाई आपकी हालत ख़राब हो जाएगी, मतलब लिटरली मैंने इसको 10,000 किलोमीटर चला दिया है, 45,000 किलोमीटर तक चल गई है, और मैंने यूज़ किया है मॉडल 7100, हालांकि मैंने उसको टॉपअप भी कराया था कुछ थोड़े दिन, 3,000 किलोमीटर जब बचा था 10,000 होने में, तो मैंने एक बार इसको टॉपअप कराया था आधा मोबिल ड्रेन करके, इसमें नया मोबिल आधा डाल दिया था, मतलब 500 ml। सो अभी आपको दिखाता हूँ, वही है ना 20W50, फ़ोटो भी खींचे थे, व्लॉग शूट कर दे रहे पूरा, यूट्यूब पर चैनल है ना। प्राइसिंग की बात कर ली जाए तो अराउंड 300 का ये पड़ता है, आप अपनी गाड़ी में इसको डाल सकते हो, हाँ हालांकि इसको 5,000 के ऊपर नहीं चला सकते आप, इसको आप मैक्सिमम 3,000-3,500 से ज़्यादा नहीं चलाना, बिकॉज मैं रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि ये सिंथेटिक नहीं है। अच्छा मोबाइल एकदम ख़राब हो गया ना, 10,000 के बाद और क्या ही होना था मोबाइल का। So guys, as you can see, पूरा ब्लैक हो चुका है, टोटल ब्लैक हो चुका है, विस्कोसिटी नाम की कोई चीज़ नहीं, पानी जैसे बह रहा है भाई साहब एकदम। लेकिन मोटुल जो है 10,000 किलोमीटर चल गया, पर इसमें मैंने टॉपअप भी किया था, प्लैटिनम का था एक मोबिल ऑयल, सो टॉपअप मैंने कर दिया था इसको, क्योंकि वो मोबिल मैंने थोड़ा मतलब कह सकते हैं 50% चेंज कर दिया था, 50% नया डाल दिया था इसको मैंने आधे में,
क्योंकि थोड़ा सा रफ चलाता हूँ इसी वजह से। सो अभी फ़िलहाल ये है कि मोबाइल तो मेरे ख्याल से ठीक ही निकला है और लेवल भी ठीक ही आया है। सो इसको बेसिकली निकालने का थोड़ा एक ट्रिक रहती है, पूरे तरीके से आप इसको निकाल सकते हो बीच बीच में एक दो बार एक दो सेल्फ मार के और गाड़ी थोड़ा सा इस साइड हल्की टेढ़ी करके। तो वो सब चीज़ें मैं करके दिखा नहीं पाऊँगा बिकॉज ऑलरेडी अभी गाड़ी मुझे रिकॉर्ड कैसे करूँगा क्योंकि एक्शन कैमरा माउंट नहीं है मेरे में। सो वो सब करके उसके बाद मोबाइल टॉप अप करते टाइम मैं वीडियो शूट करता हूँ। लेकिन सी अभी मैंने गाड़ी का मोबाइल ऑलमोस्ट निकल चुका है, अभी टिप टिप कर रहा है बस। तो अब टिप टिप करने के बाद एक दो सेल्फ लेना पड़ेगा, एक दो सेल्फ लेने के बाद जो है जो इसमें मोबाइल और फंसा होगा वो भी बाहर आ जाना है। एंड बैटरी डाउन हो चुकी है आई थिंक फ़ोन की, तो फ्लैश नहीं ऑन हो रहा है, लेट मी चेक। हाँ 15% से नीचे आ गया है। सो ये पत्थर इंस्टॉल किया मैंने अभी जस्ट गाड़ी टेढ़ी करके, क्योंकि गाड़ी उस साइड टिल्टेड थी उसके वजह से इसका जो अलाइनमेंट है वो गड़बड़ था, इस साइड टेढ़ी थी तो मोबाइल नहीं निकल रहा था। अब थोड़ा सा और टिल्ट करते हैं, लेट सी शायद कुछ और एक दो बूंदे आ जाए। As you can see, अभी मैंने जब स्टार्ट किया तो मोबाइल उसमें फिर से चूने लग गया, आप लोग देख सकते हैं। और मोबाइल दिख तो नहीं रहा था चूते, बट अब दिख रहा है। सी सो दिस इज़ द वे, इस तरीके से एक दो बार कर करके मोबाइल जो है पूरा निकाल देना चाहिए गाड़ी का बाहर, क्योंकि ये देखिए मेरे हाथ पे भी आ गया, वहीं पे मेरा हाथ था तो रिकॉर्ड कर रहा था। सो आई थिंक फ़ोन पे भी आ गया। तो बस एक लास्ट स्टेप मारने वाला हूँ, एक दो राउंड और सेल्फ के और उसके बाद जो है जो मोबाइल बाहर आ जाएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो बस उसके बाद इसको पैक करा के उसके बाद मोबाइल नया इसमें इंस्टॉल कर देते हैं, ठीक है। अगो तो मैं दोस्त को अपने फ़ोन दे रहा हूँ और इस जगह पे आपको बस ये यहाँ जो नीचे वाले फोकस ये वाला जो होता है ना ये गिरेगा। जब राउंड लेती है ना गाड़ी तो वो आ जाता है, बस बंद करें। कदम बस हो गया ना, बंद करो। आपकी बारी आ चुकी है और पर पता है सस्ता तो इसलिए मिल रहा है ना क्योंकि मिनरल ऑयल है ना, सिंथेटिक तो है नहीं ये। अच्छा क्या है, कूपन नहीं है? कूपन नहीं है। अच्छा कूपन होता 40-50 रुपए एक्स्ट्रा होता आपका। अच्छा अच्छा ये विदाउट कूपन वाला है। अच्छा हमारे पास कूपन वाला भी है। अच्छा और महंगा है वो, कितने का है? कोई मतलब नहीं, मोबाइल वही है, फर्क रहता है पैसे का, मायने तो होता है आपका। अब आप असल में ये तो अच्छा लग रहा है, पता है क्यों? क्योंकि मिनरल ऑयल है ही है नहीं इसको, मोटुल हमने इसके पहले जानते हैं इसमें डाला था वही एक। गाड़ी टेढ़ी कर दो साइड, देखिए येलो कलर का है क्या? येलो कलर है ये भाई। अच्छा जो हमने इसके पहले डाला था ना मोटर वो पिंक कलर का था। पिंक नहीं होता, रेड होता है। अच्छा रेड येलो दो कलर आते ही। हाँ रेड ही होगा वो, एकदम डार्क रेड टाइप का जैसे ये आपका कलर है ऐसा ही था। तो अभी बस उसको हो जाने देते हैं और उसके बाद जो है चेक करते हैं। नहीं नहीं गलत पड़ा है, वो कुप्पी ख़राब है, बाहर गिर रहा है क्या? नहीं गिरा है। हाँ हम डाल दें इससे, डाल दे रहे हैं, काहे परेशान हो रहे हो? दिल से लगता है भाई
आप समझ ही सकते नहीं उसकी कोई वो नहीं कल चलो नहीं पे अपने कर्नल गंज में तो ये एक तरीके का देसी जुगाड़ भाई हल्की कुप्पी फटी थी हाँ हल्की कुप्पी फटी थी अच्छा अच्छा एक दो बूंद रहता तो हम बोला क्या मतलब भाई पूरा बाजे जाए ना नहीं नहीं सही है देखें अब तो लीक कर नहीं रहा है अब नहीं गिरेगा भाई चलिए चला के देखते हैं इसको 2500-3000 किलोमीटर कितना चलता है भाई जब चलने को चलेगा मगर आपका ये फायदा है कि आप 2000-2500 किलोमीटर करवाते रहेंगे तो आपकी इंजन की लाइफ थोड़ा मजबूत रहेगा हाँ वही तो बात है ना अब ये सब की लाइफ इतनी है ही है 2000-2500 मोटूल हमने डाला था 5000 तक वो चल रहा था वैसा कि क्या बताया आपको भाई इससे अच्छा मोबाइल था पहले गल्फ गल्फ ना 40 वो 10000 किलोमीटर देता था नहीं भाई तो एक भाई डाल दी हो ठीक है भाई हम कह दिए गाड़ी खड़ी है कहाँ है बता दो हम डाल दे जाओ और थोड़ा सा एक काम और कर दी थोड़ा सा वो साफ कर दी मैं बहुत आगे आया हूँ इंस्टॉलेशन कम्प्लीट हो चुका है गाड़ी काफ़ी ज़्यादा डिफाइंड हो गई अभी आप लोगों को सुनाता हूँ मैं साउंड इसका सी आवाज़ ही ख़त्म हो गई भाई तो पता ही नहीं चल रहा स्टार्ट है कुछ ज़्यादा ही स्मूथ हो गई है भाई साहब 10000 किलोमीटर के बाद सर्विस क्या सर्विस क्या मोबाइल चेंज है सो अभी जो हीट होने वाला इशू था वो मेरे ख्याल से सॉल्व हो गया है मोबाइल पतला हो गया था तो जब RPM ऊपर जाता था आने के बाद टाइम लेता था नीचे अभी देखिए तुरंत नीचे आ जा रहा है सब अब ड्राइव करते हैं दोनों गाड़ियाँ लड़ गई क्या लग रहा है यही सेट होगा है ना वो बताया था ना तो आज तो आपस वीडियो क्या हुआ बन रही करेगा वीडियो क्यों नहीं बनेगा यूट्यूब से कैसे हुआ है भैया थोड़ा भाई इधर हो बैटरी डाउन है बाबा बाकी ये देख लेगा उसमें आ जा रहा है तो ले ले रहा वही कह रहे थे ब्राइटनेस गेज करके ले ली तो का बड़ा बुरा है यार यही वाली मार से निकलता ना मार बहुत बुरी लड़ी है यार एनएस एनएस 200 सब लड़के संभाल नहीं पाते हैं गाड़ी बैठते रहते हैं बस ना 87 भी आधा गायब है ये 7 है ये 8174 तो दिख ही नहीं रहा है सर ये वाला कैमरे में ना गाड़ी गाड़ी भी जो है उसमें नंबर डिफेक्ट है ये हो सकता है नंबर भी फ्रॉड दिया हो तो पुलिस वाले अंकल जी से हम थोड़ा हेल्प कर रहे थे उनकी मतलब नंबर की शिनाख्त करने में कि इससे पता चल जाए किसकी गाड़ी है बट शायद ये नंबर भी गलत है फ्रॉड नंबर है चलाने से क्या क्या होता है मतलब हद पार हो गई है भाई इस तरह से कौन चलाता है गाड़ी मतलब ये छोटा सा लड़का है ज़्यादा उम्र का भी नहीं था और मतलब इतनी फास्ट बाइक है यार नहीं कंट्रोल कर पाते हो तो भाई क्यों चलाते हो यार अपनी जान ज़्यादा क्या होता है वो भी अपने साथ तो दूसरों को भी लेकर चला जाए आदमी आप देख ही सकते हो कि अभी ये तो गया ही है तो अंकल जी की तो ऑलमोस्ट डेथ हो ही चुकी है बट ये दो लोग भी बहुत बुरी तरह से घायल हैं क्या ही कह सकते हैं सो गाइस मोबाइल पड़ चुका है गाड़ी में इतनी स्मूथ चल रही कि मैं घूमते घूमते नैनीब्रिज तक आ गया और फ्रेंड भी साथ ही में तो यार मज़ा आ गया मतलब चला के मतलब इतनी स्मूथ एकदम साउंडलेस एकदम थ्रॉटल रिस्पॉन्स इतना ब्रिस्क आ रहा है कि जैसे कुछ कह ही नहीं सकते सो जस्ट उस एक्सीडेंट को देखने के बाद मूड इतना ख़राब हो गया ना तो मैंने सोचा कि जस्ट मूड रिफ्रेश करते हैं और इसलिए मैं आ गया नैनीब्रिज पे जैसा कि आप देख सकते हो सो अभी थोड़ी देर यहाँ बैठेंगे कुछ देर हवा खाएंगे उसके बाद घर चलते हैं
एंगल व्यू पे एनीवेज लगी दिखता है, दूर से आप लाइट देख सकते हो आगे। तो मेरी गाड़ी की लाइट काफ़ी कम लग रही होगी आप लोगों को, मैं दिखाता हूँ अच्छी चीज़ वह क्या है, वीडियो क्लास में बताऊँगा उसका वीडियो जल्दी आएगा, उसका बल्ब चेंज कर थोड़ी देर रखते हैं, आप लोग इन्जॉय करो व्यू। निकल चुके हैं गाइस वहाँ से, आ चुके हैं लगभग, और मैंने सोचा वीडियो को वाइंड अप करने का टाइम आ गया बिकॉज वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा बन चुका है, बट स्टिल एक चीज़ जो मुझे आप लोगों को दिखानी थी वह मैं अभी आपको दिखाता हूँ। सो गाड़ी की हेडलाइट आप लोग देख सकते हो, जैसे कि आप लोगों को लग ही रहा होगा कि हेडलाइट जो है उसका थ्रो बहुत अच्छा नहीं है, तो उसका एक रीज़न है कि इसका जो आगे का जो बल्ब है वो फ्यूज़ हो गया है, हाफ फ्यूज़, पता नहीं कौन से स्टाइल से फ्यूज़ हुआ है, तो इसका जो डिपर है ना वही काम करता है, अपर नहीं काम करता है। अभी बाइक चल रही है तो उतना अच्छे से आप लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, फिलहाल फिर भी दिख रहा है बट उतना अच्छा नहीं समझ में आ रहा है। सो मैं अभी बाइक रोक के आपको दिखाता हूँ तो आप लोगों को समझ में आएगा एग्जैक्टली इसमें हुआ क्या है। अब देखिए जैसे मैं पास ऑन करता हूँ ना, तो ऊपर वाला जो अपर जब जलना होता है तो वो बंद ही हो जाता है पूरा। सो मैं अभी आपको दिखाता हूँ, अभी मैं गाड़ी रोक के आपको साइड में दिखाता हूँ थोड़ा। सो बाइक रोक दी कुछ इस तरीके की लग रही है मेरी जान मन, और बहुत अच्छी लग रही है पर ये प्रॉब्लम है, ये देखिए लाइट ऑफ लाइट ऑन लाइट ऑफ लाइट ऑन, सी बंद हो गया, तो पास वाला बटन काम नहीं कर रहा बिकॉज लाइट ख़राब हो चुकी है। चेंज करेंगे, वीडियो शूट करेंगे और आपको दिखाऊंगा कि प्रॉपर कैसे चेंज होता है। तो अभी के लिए वीडियो को वाइंड अप करते हैं और आगे का वीडियो कंटिन्यू करता हूँ फिर घर से सीधे, वाइड एंगल पर भी आपको एक बार दिखा देता हूँ। सी तो गाइस जो भी कहो ये शादियाँ देखने में बहुत मज़ा आती है, पता नहीं आप लोगों को आती है लेकिन मुझे डांस देखने में बहुत मज़ा आता है यार, लोग ऐसे अलग अलग तरीके से डांस करते हैं ना, मतलब कसम से मज़ा ही आ जाती है यार। सो दैट इज फॉर टुडे, आई होप यू गाइस हैव एंजॉयड द व्लॉग, और बाय बाय, टेक केयर, राइट से बी से वेंसडे से, और अपनी गाड़ियों का ख्याल रखिए यार, क्योंकि समय आने पर वही काम आती है, कोई काम नहीं आता। Thank you.